खरगोन शहर में रामनवमी पर हुए हिंसा में सोमवार को पहली मौत का मामला सामने आया है। 10 अप्रैल से लापता इस्लामपुर निवासी 28 वर्षीय सद्दाम का शव पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द किया है। मृतक के परिजनों ने 14 अप्रैल को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो वहीं मृतक युवक का जनाजा पुलिस की मौजूदगी में निकाला गया। युवक की मौत को लेकर एहतियातन शहर भर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, तो वहीं बेवजह शहर में घूमने वालों को घर में ही रहने की हिदायत दी है। सुबह 10 बजे से इस्लामपुरा से पुलिस की मौजूदगी में युवक का जनाजा निकाला गया और शव को दफनाया भी गया। पूरे मामले में SP रोहित केशरवानी ने बताया कि मृतक 10 तारीख को लहूलुहान हालत में मिला था, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को सुरक्षित रखने के लिए इंदौर भेजा गया था। सीसीटीवी फुटेज और गुमशुदगी के आधार पर शनाख्ती के प्रयास भी किए गए। इस बीच 14 अप्रैल को इंद्रीश की गुमशुदगी दर्ज होने पर परिजनों से संपर्क कर शनाख्ती के लिए इंदौर भेजा गया। मृतक के सिर पर चोट है, हिंसा में मौत हुई है या नहीं, इसकी जाँच की जा रही है। तो दिनांक 10 तारीख को रात को हमें एक जानकारी मिली थी कि एक जगह एक व्यक्ति पड़ा है घायल अवस्था में। तत्काल हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जहां वह मृत घोषित हुआ। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, उसके पश्चात हमने PM कराया, तो उसके बाद भी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई थी। तो शव चौकी यहाँ पर सुविधा नहीं थी रखने की, तो हमने उसे इंदौर भिजवाया था। उसके पश्चात हमने CCTV वगैरह देखे, बहुत कोशिश की। फिर 14 तारीख को एक गुम इंसान की रिपोर्ट आई थी, वो हमने पंजीबद्ध की और हमने सब दिखवाए। और उसके पश्चात जब हमें पता चला कल कि कुछ जो हमें पता कि कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, तो हमने फिर आइडेंटिफिकेशन कराया कल एक बॉडी का तो इंदौर में, और वहाँ से पता चला कि ये एवरेज इस्लामपुरा के हैं, इनकी बॉडी। तो हमने फिर इनकी फैमिली को बुला के अंतिम सर ये मौत कैसे हुई कि ये अभी इसमें जो है कि इनकी मृत्यु सर पर चोट लगने से हुई है और उसमें अपराध में पंजीबद्ध किया गया है, इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या उपद्रव में सर इसकी मौत हुई? ये जो है कि इसकी चोट सर पर पत्थर लगने से हुई है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। अब ये उसमें सारी जांच की जाएगी कि क्या क्या हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर इसको दंगे के साथ जोड़ के देखा जा सकता है क्या? इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसमें कहा जाए। सर कर्फ्यू में भी ढील जो दी गई थी उसको बैंड किया गया है, और इसमें अभी ये था कि थोड़ा सा कर्फ्यू कि यहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो, इसलिए थोड़ा सा कर्फ्यू में वो किया गया था। और आज शायद सकल हिंदू समाज ने भी एक वो बंद करने का वो किया था, तो उस वजह से कर्फ्यू के बाद फिर अभी खोला जाएगा थोड़े समय बाद। सर सकल हिंदू समाज का ये कहना है कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने 150 के आसपास लोग अरेस्ट किए हैं और 49 FIR हो चुकी है। इसके अलावा हम NSA की भी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो आइडेंटिफाइड हुए लोग उनके विरुद्ध भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो रही है, और भी कड़ी कार्रवाई हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। वीडियो एनालिसिस के लिए हमारी अलग टीम लगी है, हमारी साइबर टीम लगी है, और शीघ्र ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं युवक की मौत पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। आपकी जानकारी में मैं डालना चाहता हूं कि 10 तारीख को ये डेड बॉडी मिली थी, 11 तारीख को
इसका पीएम हो गया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर 302 का प्रकरण दर्ज हो गया था। चूंकि शनाख्त नहीं हो पा रही थी और कोई उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं थी, फिर जब एक रिपोर्ट गुमशुदगी की इवरेज उर्फ सद्दाम के नाम से परिवार वालों ने डाली तो फिर परिवार वालों से उसकी शनाख्त कराई गई। परिवार वालों ने शनाख्त जब कर दी तो बॉडी उनको सौंप दी है। कफन दफन का जो होता है क्रिया कर्म वो हो गया है, प्रकरण पूरा जांच में ले लिया। खरगोन में पूरी तरह से अभी शांति है, हालात नॉर्मल है, प्रशासन समय समय पर उसमें ढील दे रहा है कर्फ्यू में। फिलहाल युवक की मौत के बाद खरगोन जिला प्रशासन ने सुबह कर्फ्यू में दी जा रही छूट को निरस्त कर दिया था, तो वहीं शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात नजर आ रहे हैं। खरगोन से प्रदीप खेड़े की रिपोर्ट।